सत श्री अकाल, मैं हरपाल कौर, नूर किचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जी, नाश्ता खास बच्चों के लिए है, तो आप इसको बनाकर सुबह बच्चों के लंच बॉक्स में डालकर बच्चों को दे सकते हैं। तो ये नाश्ता सभी को बहुत पसंद आने वाला है, तो चलिए इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो पोहे का नाश्ता बनाने के लिए जहाँ पर हमने एक बॉल ली है, और बॉल में हमने लिया है आधा कप जो है पोहा लिया है। पोहा आप कोई भी मोटा या बारीक ले सकते हैं। तो पोहे को हम डाल देंगे बॉल में। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे, और पानी डालकर इसको हम अच्छे से 2 से 3 बार जो है अच्छे से धो लेना है हमने। तो लीजिए, पोहे को हमने अच्छी तरह से 2 से 3 बार धो लिया है, और पोहा जो है हमारा बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे सूजी। तो सूजी जहाँ पर मैंने ली है 1 कप, तो आधा कप जहाँ पर हमने पोहा लिया था, तो 1 कप जहाँ पर हमने सूजी ली है। साथ में हम डालेंगे आधा कप जहाँ पर हम दही डालेंगे। तो दही अगर खट्टा हो तो बहुत बढ़िया है, इससे हमारा नाश्ता जो है बहुत ही ज़्यादा फुला फुला बनकर तैयार होगा। तो दही को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आधा कप हमने दही डाला है, और जहाँ पर डालेंगे आधा कप ही जहाँ पर हम पानी डालेंगे, तो उसी कप से माप कर हम जहाँ पर पानी डाल देंगे। तो लीजिए, हमने अच्छे से दही को मिक्स कर दिया है सूजी और पोहे में। तो अब इसको हम ढककर जो है 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जो हमारा पोहा और सूजी है अच्छी तरह से फूल जाए। तो चटनी बनाने के लिए जहाँ पर हमने एक पैन लिया है, और पैन में हमने 2 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल लिया है। तो ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाला है साबुत जीरा, और साथ में ही डालेंगे 1/2 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाली है राई। तो अब इसमें डालेंगे हम 5-6 कलियाँ हमने जहाँ पर लहसुन की ली है वो डाल देंगे, और साथ में हम डालेंगे 1 टुकड़ा अदरक का, और साथ में हमने यहाँ पर लिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। तो प्याज को हमने लंबाई में मोटा मोटा काटा है, तो आप किसी तरह भी इसको प्याज को काट सकते हैं रफली। तो अब इनको हम 1 से 2 मिनट जो है हमने हल्का सा फ्राई करना है। तो लीजिए, हमने प्याज अदरक लहसुन को हल्का सा भून लिया है। तो जहाँ पर हम डालेंगे 4 से 5 मैंने जहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ली है साबुत, ये तीखी कम होती है, और इसको डालने से चटनी में बहुत ही बढ़िया जो है कलर आता है। तो मैंने इसके बीज हटा दिए हैं, तो ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं है अब, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है अब। तो अब साथ में हम डालेंगे जहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, तो जिसको मैंने बारीक काट लिया है वो डाल देंगे। और साथ में जहाँ पर डालेंगे हींग, तो हींग डालने से चटनी में टेस्ट और भी बढ़ जाता है, तो डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होती है, तो आप ज़रूर डालिए। तो अब हमने टमाटर डाले हैं, तो टमाटर को जल्दी सॉफ्ट करने के लिए जहाँ पर डालेंगे हम नमक, तो जहाँ पर मैंने डाला है 1/2 टीस्पून जहाँ पर मैंने नमक डाला है। तो अब मैं डाल रही हूँ साथ में ही धनिया पत्ती, तो मैंने जहाँ पर डंडियों के साथ ही डाला है इसको। वैसे तो धनिया जो है बाद में डालते हैं, लेकिन मैं साथ में डाल रही हूँ, इससे क्या होगा कि धनिया का जो टेस्ट है वो चटनी में आ जाएगा। तो अब इसको हम ढककर 2 मिनट तक पका लेंगे, ताकि जो टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो वो टमाटर जो है हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो देखिए टमाटर जो है अच्छे से पक चुके हैं और सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब चटनी को और भी चटपटा बनाने के लिए जहाँ पर हम आप चाहें तो इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। अगर आप इमली का पल्प नहीं है आपके पास, तो आप जहाँ पर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो नींबू का रस भी नहीं है तो आप जहाँ पर डाल सकते हैं आमचूर पाउडर। तो मैं जहाँ 1/2 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाला है आमचूर पाउडर, यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और साथ में यहाँ पर गैस की फ्लेम कर देंगे बंद। तो इसको हम ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, हमारे जो टमाटर प्याज हैं वो अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम जहाँ पर लेंगे एक मिक्सी का जार, तो इसको हम डाल देंगे जार में। टमाटर प्याज को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, तो अब इसको हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर और कलर आया है। तो अब इसको हम लगाएंगे तड़का। जहाँ पर हमने एक पैन लिया है, तो पैन में हमने डाला है 2 चम्मच ऑयल। जहाँ पर हम गैस की फ्लेम कर देंगे बंद, और 1/2 टीस्पून जहाँ पर डालेंगे राई, और राई को अच्छे से चटकने देंगे, और साथ में डालेंगे 5-6 कड़ी मिर्च,
तो देखिए कड़ी लीव्स और जो राई हमारी चटक चुकी है, तो अब इसको हम डाल देंगे चटनी के ऊपर। तो लीजिए हमारी नाश्ते की चटपटी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब इसको हम करते हैं साइड पे और अपने रेसिपी की तरफ देख लेते हैं। देखिए ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तो सूजी और जो पोहा है अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसको डालेंगे हम एक मिक्सी ग्राइंडर में। तो जहाँ पर हमने मिक्सी का एक जार लिया है, तो सारा जो हमने पोहा और जो सूजी रखा था उसको डाल देंगे। तो ये काफ़ी गाढ़ा लग रहा है, तो अब इसमें डालेंगे हम आधा कप जहाँ पर पानी डालेंगे, तो साथ में हम डालेंगे जहाँ पर नमक। तो नमक हमने अभी तक नहीं था डाला नहीं था, तो जहाँ पर हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक हम थोड़ा सा कम ही रखेंगे, क्योंकि हम जो हमने जो साथ में चटपटी चटनी बनाकर तैयार की है, तो इसलिए हम नाश्ते में थोड़ा सा नमक जो है कम ही रखेंगे। तो अब इसको हम इसका फाइन पेस्ट जो है हमने बनाकर तैयार कर लेना है। और देखिए कितना स्मूथ से बनकर तैयार हुआ है बैटर। तो मैंने जहाँ पर एक चम्मच जहाँ पर मैंने डाला है इनो, और साथ में डालेंगे थोड़ा सा जहाँ पर पानी। तो पानी डालने से जो है इनो हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। तो आप मैंने 2 चम्मच जो है इनो डाल दी है। तो अब इसको हम हल्के हल्के हाथों से इनो को मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप जहाँ पर खाने वाला मीठा सोडा भी डाल सकते हैं 1/2 टीस्पून। तो हमने नाश्ता बनाने के लिए एक नॉनस्टिक तवा लिया है, तो इसको थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। तो ऑयल से हमने तवे को ग्रीस कर लेना है। तो हमने जो तवा है जो ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमने तवे को गर्म करना है। तो अब इसके हम एक कड़छी भरकर जो है डालेंगे बैटर की, और इसको हल्के हल्के हाथों से फैला देंगे। और डालते ही देखिए इसमें जो है जाली बननी शुरू हो गई है। तो देखिए हमारा नाश्ता जो है अच्छे से सीख चुका है, ऊपर की तरफ से बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब इसको हम तो हमारा नाश्ता जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए नीचे से कितना बढ़िया कलर आया है इसका। तो अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो जल्दी जल्द नाश्ता हमारा बिल्कुल तैयार है। तो लीजिए हमने सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी जो हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए कितना जालीदार जो नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है, और देखिए कितना सॉफ्ट है। तो हम इसको जो हमने साथ में चटनी बनाकर तैयार की है उसके साथ सर्व करें। आप इसको किसी भी चटनी या सॉस के साथ जो है खा सकते। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, और बहुत ही कम तेल में जो हमने इसको बनाकर तैयार किया है। और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करना। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और जो साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे इस तरह की नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।